goes. If the exam goes, then everything goes in totality. So nothing to fear, the Supreme Court has said. यानी कि जो 1563 बच्चों की इश्यू थी ग्रेस मार्क्स की, उसको ख़त्म कर दिया है, ग्रेस मार्क्स को हटा दिया गया है. अब उसका क्या डिसीजन आएगा वो NTA अभी तक बताया नहीं है, वो वापस अभी डिसीजन आना बाकी. जो NTA ने बोला था कि हम 4% चार मेंबर का जो कमेटी बनाया है, उनका क्या डिसीजन आता है उसके बेसिस पे फिर हम डिसाइड करेंगे कि उन बच्चों के लिए जो 1563 बच्चे हैं उनको ग्रेस मार्क दिया गया है, उनको क्या करना, मतलब रिजल्ट करना है उसका, या फिर उसको वापस से दोबारा से उनका उनके लिए नीट एग्ज़ाम कराया जा सकता है. तो वो डिसीजन अभी आना बाकी है. बट ये डिसीजन साफ हो गया है कि 1563 बच्चे को जो ग्रेस मार्क्स दिया गया था, जो 718 नंबर आ रहे थे, 719 नंबर आ रहे थे, वो मैटर रिजॉल्व हो गया है. क्योंकि अब ऐसे ग्रेस मार्क्स की वजह से 718 नंबर, 719 नंबर आ रहे थे, और कुछ ऐसे भी स्टूडेंट थे जो बस क्वालिफाई, मतलब जो 510 नंबर ला रहे थे और ग्रेस मार्क्स की वजह से 720 नंबर आ रहे थे. बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट थे जिसके ग्रेस मार्क्स की वजह से 720 में 720 आ रहे थे. तो वो सारा मैटर जो है वो सॉल्व हो गया.